बड़े अजीब से दुनिया के मेले हैं। यूं तो दिखती भीड़ है लेकिन फिर भी सब अकेले हैं। दोस्तों जब आप बिल्कुल अकेले हो जाओगे, प्रॉब्लम्स के पहाड़ आपका रास्ता रोके खड़े होंगे, सब आपसे दूर जाने लगेंगे, आपके दोस्त रिश्तेदार सब आपका साथ छोड़ चुके होंगे। जब आपको लगने लगेगा कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, उस मुश्किल दौर में भी एक इंसान ऐसा होगा जो आपके लिए जीने मरने को तैयार होगा, और वो इंसान होंगे आप खुद। दोस्तों आपने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे, लेकिन अगर साइकोलॉजी, मोटिवेशन, नॉलेज और एंटरटेनमेंट चारों एक साथ एक ही वीडियो में देखना चाहते हो तो बेशक ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि ऐसे बहुत कम वीडियोस ही हमें देखने को मिलते हैं जिनमें ये चारों पॉइंट सच्ची तरह कवर हो। इसलिए इस छोटी सी वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। हाँ, तो बात करते हैं जीवन के उस सबसे कठिन दौर की जो कई बार हमें अंदर से तोड़ने की कोशिश करता है। इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इनफैक्ट कई बार तो जीने का ख्याल भी दिल से जाने लगता है, लेकिन ऐसे वक्त पर कुछ चुनिंदा क्वालिटीज हम अनजाने में अपना लेते हैं जो हमें दुनिया से हटकर बना देती हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक अकेले इंसान की। क्या अकेला होना कमजोरी की निशानी है? क्या अकेलापन इंसान को दुखी करता है? अकेलेपन से डील कैसे करें? और क्या है वो खूबियां जो एक अकेले इंसान में कूट कूट कर भरी होती हैं? आइए जानते हैं। क्वालिटी नंबर 1, वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी। साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग अकेले रहते हैं या अकेले रहना पसंद करते हैं, इस तरह के लोग दिमागी रूप से बहुत मजबूत होते हैं। ये खुद को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, जानते हैं, इनफैक्ट ये खुद के साथ साथ दूसरों के मन का हाल भी जानने की काबिलियत रखते हैं। दिमागी तौर पर इनकी मानसिकता बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाती है। दिमाग क्रिएटिव होने के साथ साथ पूरी तरह एक्टिवली काम करता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। क्वालिटी नंबर 2, ग्रेट सेल्फ कंट्रोल। बेसिकली जब आप अकेले रहना सीख जाते हो ना, तब कहीं ना कहीं आपको आपके शरीर और आपके दिमाग पर अच्छी पकड़ बैठने लगती है। आप बहुत अच्छा फील करते हो और आप वो सब कुछ करते हो जो वाकई में करना चाहते थे, लेकिन कई बार समाज के कुछ नालायक दोस्तों और ट्रोलर्स के कारण नहीं कर पाते थे। अब क्योंकि आप अकेले हो तो आप खुद की मर्जी के मालिक बन जाते हो, बजाय किसी के दबाव में जीते रहने से। आप खुद को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हो और कुछ करना और ना करना अब सिर्फ आपके हाथ में होता है। इस वजह से आपका गिल्ट क्लियर रहता है और दिल बहुत हल्का और साफ हो जाता है। क्वालिटी नंबर 3, एक्सट्रीमली क्रिएटिव। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनका दिमाग न जाने कितना ज्यादा क्रिएटिव होता है। लाइक क्रिएटिव राइटिंग हो गया, किसी प्रॉब्लम का सलूशन, कुछ यूनिक सोचना, नया सोचना, हर चीज को स्मार्टली करना, ये सारी खूबियां एक अकेले इंसान में कूट कूट कर भरी होती हैं। ये सब अपने आप आने लगता है, क्योंकि अकेलापन हमेशा चंचल होता है जो अपने साथ कई विचार लाता है, जिसे हम हर बार कुछ नया डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं जो वाकई लाजवाब है। क्वालिटी नंबर 4, बिकम लॉजिकल। लोगों के बीच रहकर हमेशा हम 50 तरह की इमोशन से घिरे रहते हैं और इसी वजह से हम लॉजिकल होना भूल जाते हैं, और जहां इंसान का दिमाग लॉजिक से फिसला वहां तो गिरना तय है। वैसे आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि इमोशंस में इंसान हमेशा गलती करता है। जब आप अकेले होते हैं तब आप सिर्फ खुद की सुनते हैं, इसी वजह से आप लॉजिक से अपनी जिंदगी जीते हैं, और इससे आप कई तरह की आपदा जैसे धोखा, फरेब, झूठ और मिसगाइडेंस से बच जाते हैं और जिंदगी को सुकून से जीते हैं। क्वालिटी नंबर 5, किंग्स एटीट्यूड। जो इंसान अधिकतर अकेला रहने लगता है उसके अंदर एक राजा, एक लीडर जैसा एटीट्यूड बनने लगता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ। एक राजा वाले एटीट्यूड के साथ रहता है वो इंसान जिसमें अकेले रहने की क्षमता होती है, उसमें एक लीडरशिप की काबिलियत झलकती है, और इसी वजह से साधु संत एकांत में पर्वत के शिखर पर विराजमान होकर अपना योग किया करते थे। क्वालिटी नंबर 6, एक अकेला रहने वाला इंसान दिमाग पढ़ सकता है। साइकोलॉजी कहती है कि अकेले रहने वाले लोग खुद के साथ साथ सामने वाले आदमी के मन में क्या चल रहा है ये भी झट से जान जाते हैं। अकेले रहने वाला इंसान लोगों के दिमाग और उनके एक्सप्रेशंस को पढ़ने में माहिर होता है, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बनती है, जिससे उस इंसान को चीट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। जो शख्स अकेला रहता है उसके अंदर ये भी क्षमता होती है कि वो आपके प्रॉब्लम्स का बहुत ही सॉलिड तोड़ भी बता सकता है, जो शायद किसी किताबी ज्ञान से कम नहीं है। क्वालिटी नंबर 7, ये विपरीत परिस्थितियों से भी आसानी से निकल जाते हैं। दोस्तों खराब परिस्थितियों से बहुत ही स्मार्टली निकलना ये आम लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अकेले रहने वाले इंसान के लिए ये बहुत ही आसान हो जाता है। इसका कारण है वो रिलैक्स माइंड, जो एक अकेला इंसान बहुत ही स्मार्टली यूज करना जानता है। खराब परिस्थितियों में दिमाग का शांत होना बेहद जरूरी है, वरना कई बार ये हमारी परेशानियों को और बढ़ा सकता है। अकेलापन हमें वो शांति गिफ्ट करता है जिससे हम दिलो दिमाग से शांत रहते हैं और उलझन को भी शांत करना सीख जाते हैं। क्वालिटी नंबर 8, एक अकेला इंसान खुद की वैल्यू जानता है। खुद की वैल्यू को सबसे अच्छी तरह से कोई जानता है तो वो वही शख्स है जो खुद के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताता है, खुद को अच्छी तरह पहचानता है, इनफैक्ट अकेलापन पसंद करता है। अकेलापन हमें खुद से प्यार करना सिखाता है, खुद की वैल्यू समझाता है, और साथ ही ये भी बताता है कि दुनिया को खुश करने से पहले खुद को खुश रखना और खुद की कीमत को कम ना होने देना बेहद जरूरी है। एक अकेला रहने वाला इंसान कभी भी अपने सेल्फ रेस्पेक्ट से समझौता नहीं करता। दोस्तों अकेला रहना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि मजबूत बनने का और अपनी जिंदगी को सफलता की तरफ ले जाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। हालांकि शुरुआती समय थोड़ा अजीब लगता है,
लेकिन आफ्टर ऑल आप एक बेहतर जिंदगी के लिए तैयार हो जाते हैं। उम्मीद है आप इन 8 खूबियों से अच्छी तरह परिचित हो गए होंगे जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं। आप में से कौन कौन अकेला रहना पसंद करता है, जिनमें ये खूबियां हैं, कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।